अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सारे बच्चे अपनी ड्राइंग की बुक्स खोलें और जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था उसी के आगे वाला पेज ओपन करें, जिसमें आज हम एक नई लाइन सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है डायगनल लाइन, DIAGONAL डायगनल लाइन। ठीक है, पहले हमने कौन सी लाइन सीखी? हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, दो लाइनें हमने सीख ली, अब हम तीसरी लाइन सीख रहे हैं जिसका नाम है डायगनल लाइन। जो भी लाइन इस तरह होगी, ना सीधी हो ना ऐसे हो, जो दोनों के बीच में होगी इस तरह, उसे हम कहेंगे डायगनल लाइन। जो लाइन इस तरह हो, जैसे आप लोगों को यहाँ डॉटेड दिख रहे हैं, इस तरह जो लाइन हो उन्हें, उससे हम कहेंगे डायगनल लाइन। ठीक है, डायगनल लाइन समझ में आ गई। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें डायगनल होती हैं, आप लोग अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और देखें कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के घर में डायगनली हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन डायगनली है, ना ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ना वर्टिकल है। ठीक है, तो हमने अब तक तीन लाइनें पढ़ी। पहली लाइन वर्टिकल, ये पेंसिल वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, ये पेंसिल हॉरिजॉन्टल है, और डायगनल, ये पेंसिल डायगनल है। ठीक है, तो अब हमें इसकी मश्क करनी है। ठीक है, डॉट से डॉट मिलाना है, इस डॉट से इस डॉट। ठीक है, डॉट से डॉट मिलाते हुए लाइंस मुकम्मल करनी है। ठीक है, आराम आराम से बिल्कुल डॉट मिलाएंगे, कोई लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ आया सारे बच्चों को? इस तरह डॉट से डॉट मिलाने हैं। ठीक है, डॉट से डॉट। ठीक है, ये हमें फोर बॉक्स दिए गए हैं जिसमें से हम एक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम दूसरे बॉक्स पर आएंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ ये काम करना है। तो बच्चों को लाइन लाइन का नाम भी लेना आना चाहिए, डायगनल लाइन। ठीक है, डायगनल लाइन सब लोग मेरे साथ साथ बोलें। डॉट से डॉट, ठीक है, और आप लोगों को घर से भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दो लाइनें हमने पढ़ ली, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आज हमारा सबक है तीसरी लाइन जिसका नाम है डायगोनल लाइन। ठीक है, आराम आराम से ट्रेसिंग करनी है, डॉट से डॉट मिलाते हुए। अब हम हमारे दो बॉक्स कंप्लीट हो गए, अब हम तीसरे बॉक्स पर जा रहे हैं। ठीक है, डॉट से डॉट मिलाते हुए।
सब बच्चों को लाइंस बनानी आ गई। ये हैं डायगनल लाइन, ठीक है, जिस तरह हमने एक डॉट से दूसरे डॉट तक लाइनें बनाई और मिलाई, इसी तरह हर लाइन बनेगी और मिलेगी आप लोगों को। आराम आराम से डॉट मिलाते हुए डायगनल लाइन बनानी है। कोई किसी बच्चे की लाइन आड़ी टेढ़ी या ख़राब नहीं होनी चाहिए, आराम से और सुकून से लाइन बनेगी, ठीक है। और जो हमने तीन बॉक्सेस कर लिए हैं, इसके अलावा जो एक चौथा बॉक्स ये वाला बचा है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग ये बॉक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम पेज नंबर 18 पर थे जिस पर हमने क्लास वर्क और होमवर्क करा है डायगनल लाइन सीखने का, ठीक है। सब बच्चों को डायगनल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी आ गई। अब हमारा पेज नंबर 18 तक काम कंप्लीट हो चुका है। सब बच्चे पेज नंबर 18 तक अपना काम कंप्लीट रखेंगे, पिछला जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, पिछले जो भी कलर्स हमारे रहते हैं वो सब खुद कंप्लीट करना है जल्दी से, ठीक है, ताकि हम आगे जल्द अज़ जल्द पढ़ सकें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।